सारी चीज करी, लेकिन मारा है कमल का फूल, इसने मत जाना भूल। से भी 10 गुना मर्डर, 50,000 से जिताएंगे श्रुति चौधरी को, 50,000 रुपए बिल्कुल जिताएंगे जी जान से। कांग्रेस नास्तिक नहीं, कोई मेरा तारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बाबू बेटा का रोल है, आप श्री मैं बनूं। वही आपस में निपट जाएंगे और निपटा लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उनको मलाल रहेगा कि भाई अनिल शर्मा जी ने टिकट मिलनी चाहिए थी और लगातार रेस में थे, और उसके बाद श्रुति चौधरी को टिकट मिली। तो जो है फिलहाल अभी जो है भाई सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के निवास स्थान जो कि तोसा में स्थित है वहाँ पहुँचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी जो है बातचीत रखी, संवाद किया जनता के साथ। जो यहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह के वर्कर या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर आए हुए थे, जो मीटिंग ये कार्यकर्ता मीटिंग थी, तो वहाँ हम पहुँचे हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह जी के साथ हमने बातचीत करी। उसके बाद मैडम किरण चौधरी जी के साथ हमने बातचीत करी, और एक और जो है तीसरा चेहरा और कहूँ जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे, श्रुति चौधरी जी के नाम अनाउंस होने से पहले जो टक्कर में दूसरा नाम मैं बार बार कहता था कि एक ही कार्यकर्ता जो लगातार जो है जनता के बीच में रहने वाले थे, चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने भी जिक्र किया भाई अनिल शर्मा जी का, तो इनसे बात। राम राम शर्मा जी। राम राम आपके दर्शकों को, राम राम। तो कदे लुहारूर कदे बारडार कदे तोसामर जो है ना, मतलब लगातार लाग रहे हो फील्ड के अंदर। देखो क्या है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो उसके नाते हमारा फर्ज है कि जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी है, जहाँ जहाँ हमारे कहने से कोई साथी का प्रचार प्रसार हो सकता है, वोट मिल सकता है। तो अब जेपी दलाल साहब ने कहा था कि भाई लुहारू में आप थोड़ा सा आइए मदद करिए, हम वहाँ गए। कपूर सिंह वाल्मीकि के यहाँ भवानीखेड़ा में भी काम किया, अभिमन्यु के यहाँ नारनौंद हल्के में काम करेंगे वहाँ पे भी गए हैं। इसके अलावा भिवाणी में तो शाम में तो लगे ही हुए हैं, ये तो अपना हल्का है ही। तो सारी जगह पे हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी तो हमने जिताना ही है, इसके अलावा और सारे जो आसपास के प्रत्याशी जीते, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन सके। तो चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने बातचीत करी, और जनता का मन में भी कितने कितने जो आपके वर्कर थे जो आपके साथ जुड़े थे, उनको मलाल रहेगा कि भाई अनिल शर्मा जी ने टिकट मिलनी चाहिए थी और लगातार रेस में थे, और उसके बाद श्रुति चौधरी को टिकट मिली, तो फिर क्या भावनाएं थी जब आपने पता चला कि आपका नंबर नहीं? देखिए धर्मवीर जी का कहना सही था कि भाई कई बार पार्टी भी बदलते हैं लोग, कई बार टिकटें भी कटती हैं, और अनिल शर्मा की भी टिकट कटी तो इनको भी दर्द हुआ होगा। ये सही बात है कि जब आप फील्ड में मेहनत करते हो और आपको ये रहता है कि भाई हाँ अब पार्टी मुझे सेवा का मौका देगी और टिकट कटती है, तो उस समय पे दुख होता है, लेकिन वो दुख एक दो दिन सही जो कार्यकर्ता होता है उसका एक दो दिन का होता है। एक दो दिन के बाद आदमी का फिर दिमाग सेट होता है और ये सोचता है आदमी की भाई पार्टी बड़ी है, पार्टी वट वृक्ष है, वो सबको छांव दे सकता है, व्यक्ति एक सबको छांव नहीं दे सकता। इसलिए उस चीज़ को भूल के और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पे फिर काम पे लग गए। तो घोषणाओं का दौर जारी है, लगातार तो मीटिंगें होंगी, अलग अलग पार्टियां अपने जो जलसे भी करेंगी, शक्ति प्रदर्शन करेंगी, वर्करों को मोहित करने की कोशिश करेंगी, तो घोषणाओं का दौर जारी है। तो भाजपा या फिर आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता, इन घोषणाओं से कैसे बचे? देखिए क्या है, कोई भी ऐसी घोषणा छोड़ दी है कोनी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो विपक्ष के पास मुद्दा हो। किसानों का मुद्दा था कि MSP नहीं दे रही, MSP का काम कर दिया, फिर ट्रांसफार्मर जो जलने पे चोरी होने पे थे वो काम कर दिया, अभियाना माफ़ कर दिया, 133 करोड़ रुपए बकाया थे वो माफ़ कर दिए, 2000 रुपए मुआवजा जो था वो दे दिया, और आगे भी ये वादा है कि भाई जब भी अगर कोई भगवान ना करे ऐसी स्थिति आएगी तो मुआवजा 15,000 रुपये महीने जो मिलता है फसल का वो मिलता रहेगा। आज किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, छात्रों के लिए जो है हैप्पी कार्ड बना रखे हैं छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए सारी आपको सुविधाएं दे रखी हैं, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। कर्मचारियों में आपने देखा बिना पर्ची खर्ची के 1,40,000 कर्मचारी लगाए गए हैं और आगे उनको परमानेंट कर दिया गया है, तो आज उनके लिए भी कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। आप सब जिस जगह भी आप विचार करोगे, महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस सिलेंडर दे दिया, आप व्यापारियों के लिए देखोगे उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए पार्टी दिन रात लगी हुई है, मजदूरों के लिए काम कर रही है, आप देखोगे मजदूरों की बेटी की शादी है तो 1,00,000 रुपये का उसको सहायता की योजना बनाई हुई है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास खाली झगड़ा है, आपस की लड़ाई है, और उस आपस की लड़ाई में और जो 60-60 टिकट धारी बना दिए उन्होंने सबके उंगली लगा लगा के, वही आपस में निपट जाएंगे और निपटा लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो पूर्ण विश्वास है जनता को, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखो किरण चौधरी जी हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई हैं,
और पार्टी ने उनको खूब मान सम्मान दिया है। पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया है और बहन श्रुति चौधरी को यहाँ से टिकट दी है। तो हम सारी जनता से, सारे साथियों से, सभी मतदाताओं से ये कहना चाहेंगे कि भाई सभी गिले शिकवे भुला के और ये समझ के कि वो हमारे परिवार की मुखिया हैं और हमारे परिवारों के साथ में वो जुड़ी हैं, तो तन मन धन से सारे साथ में लगें और उनको विजयी बनाएं, ताकि नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो एक हमारा जो कैंडिडेट है वो साथ में आए, बहुमत की सरकार बने, यही प्रार्थना है सभी से। चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अनिल शर्मा जी हमारे साथ थे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो जनता को प्रेरित किया भाई अपने हलके को और लगातार हमारे ज़िले के जो अलग अलग पुराना भिवानी जिले की बात करूँ तो लगातार ये दिखाई देते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रत्याशियों के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए जनता को प्रेरित करने के लिए। अब हरियाणा को जनता को जो है ये चीज़ निर्धारित करनी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करना है या तिवारा जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। और जनता में विश्वास भी आशा है, चौधरी धर्म सिंह जी ने जब बातचीत करी है, अपना संवाद कराया है, तो विश्वास होया होगा जी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार आने वाली। पहले तो खोज हरियाणा के दर्शकों को सभी को मेरे राम राम। विश्वास के मार दो पक्की से। अच्छा। हाँ, 1% कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा। हाँ, के दिक्कत से बता भाई। घोषणाएं हो रही हैं, कांग्रेस ने लोकसभा में करी थी, अब फिर जो है हिसाब मांगा था पीछे, और हुड्डा साहब तो कांग्रेस ने तो खटाखट 8500 की भी करी थी, आया कि एक खत्म है सरकार। घोषणा तो करती ही रहे कांग्रेस। कांग्रेस ने आज तक नहीं कोई मेरा तारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बाबू बेटा का रोल है, आप श्री मैं बनूं। अरे मुख्यमंत्री तो है जनता बनाओगी, ठीक है, मुख्यमंत्री जनता बनाओगी, एमएलए बना के भेजांगे, जीत बनाएंगे, नु बनाए कोनी सीएम होगा। रोहतक तो मुख्यमंत्री कौन बने भाई, देखियो तो हमें चौकड़ तक कमल का फूल खिलेगा। हां, चौकड़ तक कमल का फूल, बिल्कुल जोश पूरा पूरा जोश भी ग्यारह हो गए, हम कहा दोनों ताकत होगी, नहीं चाहूँ तू सामने, बिल्कुल जी जान से जितनी मदद मैडम ने उससे भी 10 गुना मदद, 50,000 से जिताएंगे श्रुति चौधरी को, 50,000 बिल्कुल जिताएंगे जी जान से। तो शामी में तो उसे कर का वारिस बंसीलाल का पोता अनुरोध, हाँ आज से 2 महीने पहले वो आया था, कि चुनाव से पहले किसी को बता दो कि गांव में अनुरोध, किसी गांव में आया हो, महेंद्र आया हो, कैसा वारिस, ये नहीं है, पब्लिक ने सब पता है, सबसे ज्यादा विकास काम है तो धर्मवीर ने कराया, मैडम ने कराया, तीसरा कोई नहीं है जिसने भी आज तक चुनाव लड़े ने किसी ने भी काम नहीं करवाया, सिर्फ धर्मवीर और किरण चौधरी ने तो शामिल के। तो 10 साल जहाँ आपने विपक्षता रखी, जिनके खिलाफ आप कमल का फूल खिलाना चाहते थे, आज वही प्रत्याशी आपकी पार्टी की तरफ से जो आज खड़े हुए हैं, तो कितना माहौल बदला मानो। हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। अच्छा। चाहे कोई लेके आओ, हमारा कोई गिला सिखवा को नहीं, जिनका काम विरोध में थे उन्हें मारा खूब विरोध भी कराया, सारी चीज करी, लेकिन मारा है कमल का फूल, इसने मत जाना भूल, नू गिला सिकवा किसी के पूरे को नहीं, किसी ने मेरे से भी टसल से, किसी ने सरपंच से टसल से, तो नू तो पूर्ति किसी ने किसी से है, अपना है कमल का फूल निशान, तन मन धन के साथ में पूरा हरियाणा में जड़ा भी हमारी जान पहचान होगी, हमारी तुसा विधानसभा भी है और लुहारूम भी कोई फर्क को नहीं, पूरा जोर लगाएंगे और कमल का फूल ने विजयी प्राप्त करवाएंगे, और तीसरी बार हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में फिर कमल खिलेगा। क्या बात है भाई। तो जनता ने तो अपनी राय जो है, आड़ा जो लोग आए हुए थे उन्होंने अपनी मन का विचार व्यक्त कर दिए हैं, साफ सीधी बात बता दी है और जोश दिखा दिया है, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शकों अपने राम राम जी।